हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरुण पाठक, टीचर्स एकेडमी के सेल्लाल ऑनलाइन मंच से आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, मित्रों, आप सभी लोग काफी धैर्य रखें, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। टाइम शेड्यूल थोड़ा सा परिवर्तन हुआ टेक्निकल इशू से, लेकिन अब फाइनली हम सभी आपके साथ हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यूजीसी का एग्जाम 2 मई से शुरू होना है। बच्चे, कम समय है और ये बहुत बेहतर अवसर होगा आपके लिए, जो हम आज लेक्चर लेके वीडियो लेके आए हैं, कि कम्युनिकेशन से भी कम से कम 4 से 5 प्रश्न बनते हैं बेटा, जो आज मेरा प्रयास होगा कि आप सभी उसे सॉर्ट आउट कर लें, उसे समझ लें, हर एक बच्चा समझ ले, उसको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। तो मैं मित्रों बता देना चाहता हूं, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, ये मैं कह देना चाहता हूं कि कम्युनिकेशन जीवन की आधारभूत विशेषता है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। बिना कम्युनिकेशन के अपने आप विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं। कम्युनिकेशन वो पहलू है, कम्युनिकेशन बेटा वो पहलू है जिससे हम अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हैं। तो सारे जितने भी लोग हमें वॉच कर रहे हैं, भैया संध्या राय जी, क्रिएटिव कान्हा जी, प्रियंका मौर्य, अमोज बर्नवाल, इस All of you, और भी जितने लोग हमें वॉच कर रहे हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, सभी से गुड इवनिंग है सभी से। अब हम लोग आज संप्रेषण की प्रक्रिया की बात करेंगे बेटा। तो संप्रेषण होता क्या, संप्रेषण कहते किसे, ध्यान से सुनना है मेरे बच्चों, संप्रेषण होता क्या। सबसे पहली चीज, तो जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, संप्रेषण या संचार है ना, मुख्यतः बेटा कम्युनिकेशन, मुख्यतः मैं आपसे बात करना चाहता हूं इसमें, कम्युनिकेशन दो या दो से अधिक लोगों के बीच है ना, विचारों के आदान प्रदान को कहते हैं, है ना। दो या दो से अधिक लोगों के बीच विचारों के आदान प्रदान को कहते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, विशेषकर इसकी जो खास बात है, विचारों का आदान प्रदान। अब विचारों का आदान प्रदान कई ढंग से हो सकता है ना, इसमें कई चीजों की आवश्यकता होती है, ठीक है। विचारों के आदान प्रदान ठीक है भैया, तो विचारों का आदान प्रदान ही है कम्युनिकेशन, ठीक। लिटिल महोदय ने, ठीक है बेटा, देख रहा हूं, बिल्कुल गुड इवनिंग सारे लोग गुड इवनिंग भैया। लिटिल जी ने कहा कि मानव संप्रेषण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जानकारी, माने लिटिल, प्रोफेसर लिटिल के अनुसार मानव प्रक्रिया पहले से विद्यमान शब्दों एवं प्रतीकों के माध्यम से पूर्ण होती है, प्रतीकों के माध्यम से पूर्ण होती है। तो प्रोफेसर लिटिल का कहना है कि जो ये संचार की प्रक्रिया है बेटा, ये पहले से ही विद्यमान जो वर्ड होते हैं या जो प्रतीक होते हैं, सिंबल होते हैं, उनके माध्यम से यह प्रक्रिया कंप्लीट होती है। अब संचार होता कैसे है, संचार की प्रवृत्ति क्या है, बहुत बढ़िया प्रिया गंगवार जी, लेकिन इतने से ही संचार का काम कंप्लीट नहीं होता। संचार का पूरा एक परिपथ होता है, उसे मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, है ना। संचार की संपूर्ण प्रक्रिया या संचार की प्रक्रिया कैसे होती, संचार की प्रक्रिया
इसमें कौन कौन से अनिवार्य, कौन कौन से अनिवार्य इसमें गतिविधि होती है, यह आपको ध्यान रखना है। तो आइए मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, समझिए, निश्चित ही आपके आगामी यूजीसी की परीक्षा में बड़ा ही योगदान आपको देगा। और बेटा एक चीज और भी बता दें, क्योंकि संचार यदि आपने बेहतर ढंग से समझ लिया तो बहुत आसानी से पलक झपकते आप इसको सॉल्व कर लेंगे। बस मित्रों एक आपसे दोस्तों सहयोग की आवश्यकता है कि आप इसे लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें, जिससे हमारी रीच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। तो लाइक और शेयर करते रहे बेटा, जितने लोग देख रहे हैं उसे लाइक और शेयर कर दें, है ना। तो देखिए इसमें होता क्या क्या, इसमें संप्रेषक से प्रक्रिया प्रारंभ होती है। संप्रेषक माने जिसे कहते हो आप सेंडर, सेंडर से प्रक्रिया प्रारंभ होगी। सेंडर क्या भेजेगा, संदेश, और संदेश माने मैसेज, और संदेश सदैव कूट में होता, क्या बनाएगा, इनकोड बनाएगा। कूट मतलब इनकोड, इनकोडिंग करेगा। फिर माध्यम के द्वारा इसे भेजेगा, मीडियम के द्वारा भेजेगा, फिर रिसीवर के पास प्राप्त होगा। किसके पास प्राप्त होगा, रिसीवर के पास। समझ में आ रहा है बेटा, जीएस की क्लास नहीं है बेटा, ये यूजीसी फर्स्ट पेपर की क्लास है, ठीक है, यूजीसी फर्स्ट पेपर की क्लास है जो सभी के लिए कार्य करेगा, ठीक है। अब आएगा मामला रिसीवर माने प्राप्तकर्ता, संदेश प्राप्तकर्ता के पास ये पहुंचेगा, मींस रिसीवर, है ना। और इसके बाद की कड़ी है फीडबैक, सॉरी अब ये करेगा डिकोड, माने डिकोड करेगा, जिसे कहते हो बिकूटन, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिकोड करना। अब इसके बाद की प्रक्रिया है प्रतिपुष्टि, मींस फीडबैक, प्रतिपुष्टि मींस फीडबैक। अब ये फीडबैक किसे मिलेगा, सेंडर को, है ना। ये संपूर्ण प्रक्रिया इस रिंग में जाकर कंप्लीट होती है। उम्मीद है कि ये पूरा सिस्टम आपको क्रमशः समझ में आ गया होगा। बेटा आपको बता दें कि इसी प्रकार, इसी पर आधारित कई बार प्रश्नों का निर्माण हुआ है, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना भैया, ठीक है। बिल्कुल रमन जी, सारे यूनिट का क्लास होगा, सारे यूनिट का क्लास होगा इसमें। आप बिल्कुल सेंडर, मैसेजर, इनकोडिंग, मीडियम, डिकोड, रिसीवर, इसके बाद प्रिया गंगवार जी, इसके बाद का भी सिस्टम है, है ना। डिकोड, हाँ डिकोड होगा, और डिकोड के बाद फिर क्या होगा, प्रतिपुष्टि होगा। सारे यूनिट की नॉलेज आपको दूंगा बेटा, इसमें आप बिल्कुल मस्त रहिए और बने रहिएगा, लगातार बने रहिएगा। आज उन चीजों को पढ़ाऊंगा, शायद हो सकता है आप पढ़ते हो, काफी पढ़े हो, लेकिन कई चीजें ऐसी होंगी, हो सकता है आपको क्लियर ना होती हो, तो आज वो क्लियर हो जाएगा। और एट द लास्ट फिर प्रश्नों का कलेक्शन भी है, कुछ प्रश्न भी कराऊंगा संचार से अभी तक जो बने हुए हैं, या कुछ अच्छे हो सकते हैं। तो अगले कुछ समय तक आपको हमारे साथ बने रहना होगा बेटा, बिल्कुल आपको खिसकना नहीं है और इसमें लगे रहना है। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ मृणालिनी आकाश जी, जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है, शाबाश, देखिए ध्यान से। अब संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य क्या, संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य बेटा एक चीज और ध्यान दीजिए, ये जो पोर्शन है आपका, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में जितना ये यूजीसी के लिए लाभकारी है, उतना ही असिस्टेंट प्रोफेसर के जो कंपलसरी पेपर 30 क्वेश्चन आता है उसके लिए भी यह उतना ही
उपयोगी है, लाभकारी है, जो आपको सहयोग करेगा बेटा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? ठीक है, संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य क्या, ध्यान से सुनिए, इसका जो उद्देश्य है ना, विचारों में नवीनता या अपडेशन, ठीक है, शिक्षण का प्रमुख अवयव या शिक्षण का अनिवार्य लिख सकते हैं आप, है ना, या इसको अद्यतन, वो टफ शब्द खूब यूज होता है ना, अद्यतन रखना, है ना, जो इसका उद्देश्य है विचारों को या आंकड़ों को या सूचना को अद्यतन रखना, शिक्षण का अनिवार्य भाग है, क्योंकि इसके बिना टीचिंग संभव नहीं है बेहतर ढंग से, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। शिक्षा और कक्षा माने समूहों का सुचारू संचालन, समूहों का सुचारू संचालन, है ना, समूहों का सुचारू संचालन, प्रेरणा एवं मनोबल, प्रेरणा एवं मनोबल बढ़ाने वाला या बढ़ाने में मददगार। तो कई चीजें ETC लगा सकते हो यार, कम्युनिकेशन का उद्देश्य बहुत कुछ है, लेकिन आप इससे कुछ थोड़ी बहुत आप मॉडरेट हो सकते हो, इससे आप समझ सकते हो, है ना। ठीक भैया, समझ में आ रहा? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए संप्रेषण की जो प्रणाली है बेटा, संप्रेषण के प्रमुख तत्व क्या है, संप्रेषण के प्रमुख तत्व देखिए ध्यान से, संप्रेषण इतमान से समझिए, संप्रेषण के प्रमुख तत्व तो मुख्यतः भैया संप्रेषण के, यार ध्यान से सुनो, तीन तत्व होते है ना। संप्रेषण के मुख्यतः आप सभी को ध्यान रखना है, संप्रेषण के मुख्यतः बेटा तीन तत्व होते, विषय सामग्री, संचार की विधि और संचार की प्रक्रिया। विषय सामग्री मतलब मैसेज, क्या टॉपिक है ना, समझ पाए आप, क्या टॉपिक है, विषय की सामग्री कैसी है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विषय की सामग्री क्या है। फिर संचार की विधि क्या, संचार विधि किस विधि से भेजा जाएगा, माध्यम क्या होगा, और फिर पूरी प्रक्रिया क्या है, संचार प्रक्रिया, है ना। तो ये संपूर्ण चीजें मिलकर, ये सब मिलकर संप्रेषण को कंप्लीट बनाते हैं, है ना बेटा। ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत किसी बच्चे को। अब आप संप्रेषण के प्रकार पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, संप्रेषण के प्रकार, कितने प्रकार का संप्रेषण, टाइप ऑफ द संप्रेषण, हाँ देखिए भैया संप्रेषण के प्रकार कई होते, लेकिन आप इसमें अगर बेहतर रखें, हाँ बेटा क्या बोल रहे हो, क्या कह रहे हो मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया सारे लोग, बस यार तुम लोग जितने लोगों को लाइक शेयर नहीं कर रहे हो यार, थोड़ा लाइक शेयर बढ़ा दो भाई, एकदम लाइक शेयर आप बढ़ाते नहीं रहे हैं, ठीक है। अब जरा आइए संप्रेषण के प्रकार, लाइक शेयर बढ़ा दो भाई, लाइक शेयर करते रहिए, है ना। संबंध के आधार पर कैसा होता है और चैनल के आधार पर कैसा होता है, एक डिवीजन संबंधों के आधार, कई आधार होता। आप देखिए बेटा, आप जितनी भी प्रमुख किताबें हैं उठा लीजिए, मैंने जो भी मार्केट कोई ऑथेंटिक किताब तो नहीं होती है, क्योंकि भाई इसका कोई अलग से सिस्टम नहीं है, तो बड़े बड़े ब्रांड इसमें उतरे हुए हैं जो कोशिश करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना होगा,
सोनू, चलो ठीक, तो ध्यान दीजिए बेटा, सारे बच्चे ध्यान देंगे तो आप चाहे मदान की किताब देख लीजिए उठाकर, अथवा आप दृष्टि के उठा के देख लीजिए, और भी जो ब्रांड आपको मिल जाएंगे जैसे अरिहंत के उठा के देख लीजिए, तो आपको बेहतर ढंग से चीजें नहीं समझ में आएंगी जितना मैं आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो संबंधों के आधार पर यह चार प्रकार का होता है, ध्यान दीजिएगा। एक अवैक्तिक, अवैक्तिक इसे व्यक्त ना किया जा सके, है ना, और ये समझ में आया, ये हो बता इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में इंपर्सनल कहते हैं, और अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक। अवैयक्तिक इसे व्यक्त ना किया जा सके, अंतर्वैयक्तिक ध्यान दीजिए आप इसको पूरी तरीके से, अंतर्वैयक्तिक समूह संचार और जन संचार, समूह संचार देखिए ध्यान से। तो बेटा आज आप बने रहिए, अभी आज आपको इतना मैं जोड़ दूंगा, जन संचार माने मास कम्युनिकेशन, यहां से आपकी गलतियां समाप्त हो जाएंगी, यह आपको बेहतर ढंग से समझना होगा। देखिए ध्यान से, अवैयक्तिक संचार से तात्पर्य यहां क्या है, अवैयक्तिक संचार से ऐसा तात्पर्य है जब हम मन ही मन बात कर लें, हम किसी से व्यक्त ना करें, अव्यक्त इंपर्सनल है, माने हम किसी को इसको बात को बताएंगे नहीं, अंतर अंतरात्मा से बात, है ना, अपने ही मन में विचार कर ला, भूत प्रेतों से बात, आध्यात्मिक ज्ञान, या हम किसी के बारे में सोच कर रहे हैं जो निष्कर्ष निकाल रहे हैं, ये सारी चीजें होती है ना। तो स्वतः से बात, विशेष करिए इंटरनल पहलू है, इंटरनल पहलू, ठीक है। अंतर्वैयक्तिक दो लोगों के बीच में संवाद, दो लोगों के मध्य, दो लोगों के मध्य कम्युनिकेशन, मध्य संचार। एक प्रश्न पूछा था बेटा, इन चार ऑप्शन दे दिया, ध्यान से सुनो, सेल्फ कम्युनिकेशन, बिल्कुल सही बेटा, इसमें चार ऑप्शन दे दिया और पूछा कौन सा ऐसा संचार का माध्यम है, कौन सा ऐसा माध्यम है जिसमें फीडबैक अनिवार्य है, कौन सा ऐसा माध्यम है जिसमें फीडबैक अनिवार्य है, कितने लोग बताएंगे, बताइए इसमें कौन सा ऐसा जिसमें फीडबैक अनिवार्य, अनिवार्य रूप से फीडबैक आना चाहिए, कौन सा ऐसा, बोलिए जल्दी जल्दी फटाफट। चलिए जितने भी लोग देख रहे हैं जल्दी से, इन चारों में से कौन सा ऐसा है जिसमें फीडबैक अनिवार्य रूप से आना चाहिए, आल चो भाई, हमने कहा अनिवार्य फीडबैक। चलिए मैं बताता हूं, मैं बताता हूं बेटा, इसी अंतर्वैयक्तिक में फीडबैक अनिवार्य है, माने दो लोगों के बीच में फीडबैक निश्चित ही आएगा, सब में अनिवार्य नहीं है। अंतर्वैयक्तिक में कौन सा फीडबैक आएगा जी, सभी में कैसे होगा, ऑल में कैसे होगा जी, प्रिया बिंबवार जी बताइए, ऑल में कैसे होगा, अंतर्वैयक्तिक में फीडबैक है, इसमें कोई फीडबैक नहीं है, हम स्वयं से बात कर रहे हैं, क्या हम फीडबैक देंगे। समूह संचार ये होता है बेटा, देखिए इसमें अकेले संचार, अकेले से बातचीत करना, इसमें दो व्यक्तियों के बीच संचार, इसमें दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में संचार, माने जैसे संगोष्ठी पे परिचर्चा वगैरह होती है, माने संगोष्ठी पर परिचर्चा आदि या जो समूह में आप डिस्कस करते हो वह क्या होगा, ग्रुप कम्युनिकेशन, माने इसमें दो से अधिक व्यक्ति होते हैं लेकिन एक लिमिटेड एरिया को शो करता, फिर भी इसमें एक निश्चित कुछ न कुछ रहता है, इसमें ऐसा संचार होता है कि आप इसमें क्या कर सकते हो, कोई ना कोई रिएक्शन मिलने की संभावना होती है। अब आइए मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, हाँ जी बताइए प्रियंका जी,
बोलिए बोलिए प्रियंका जी, हेलो क्या हाल है? चलिए बोलिए प्रियंका सिंह जी, कैसी हैं? देखिए भाई, मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन ध्यान दीजिए। मास माने जब एक बड़े समूह को, बड़े समूह को आप कम्युनिकेट करते हो तो मास कम्युनिकेशन होता है। जैसे इसमें मीडिया लगती है, न्यूज़पेपर होता है, या नेता अपनी रैली को संबोधित करता, इसमें फीडबैक का कोई मतलब नहीं होता। इसमें भी फीडबैक का कोई मतलब नहीं, भाई नेता हाथ हिलाए पड़ा है, झूठे हंसे पड़ा है, मुस्कुराए पड़ा है, अब कोई अंदर से गाली दे रहा है या कोई खुश है, क्या उसको पता है ना नेता, लेकिन अपने स्टाइल में कहा सब हमसे खुश है, अपने स्टाइल में ऐसे किए पड़ा है ना। ये बात समझ रहे हैं आप? जी जी प्रियंका सिंह जी, ओके चलिए बढ़िया, सारी यूनिट होगा। शाली शर्मा जी, सारी यूनिट हम कराएंगे। चलिए बढ़िया प्रियंका जी, पढ़िए, एकदम आपको लाभ होगा, बस आप लोग मिलके लाइक शेयर बढ़ाते रहिए बस, ठीक है। तो ये हम आगे बढ़े बेटा, तो ये संचार का एक बेसिक प्रकार है जिससे आप इसको समझ सकते हैं, इससे आपको जानकारी बेहतर हो जाएगी है ना। और मैं बताऊं, चैनल के आधार पर संचार ध्यान देंगे आप सभी लोग, चैनल के आधार पर संचार। तो इन्हें दो समूहों में बांटते हैं हम सभी लोग। इसको जानने के लिए आपको समझना होगा कि इसे हम सभी लोग दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। समझिए बात को, एक आपका चैनल बेस पर जब हम चलते हैं बेटा, इसमें शाब्दिक होता है और एक अशाब्दिक होता है ना, शाब्दिक एवं अशाब्दिक। तो देखो ध्यान से, शाब्दिक ये दो प्रकार के होते हैं, शाब्दिक आप दो प्रकार का कर सकते हो है ना, यह लिखित एवं मौखिक दोनों हो सकता, लिखित एवं मौखिक दोनों हो सकता है भाई, और अशाब्दिक बिना शब्दों का प्रयोग किए संदेश देना है ना। ये भी गजब का कम्युनिकेशन होता है, और बड़ी से बड़ी भीड़ में दो लोग आपस में मिल जाते हैं है ना, आंखों आंखों में इशारा हो गया है, या बस यूं हल्का सा देखा, हाथ हिला दिया, हो गया, कोई समझ पाया नहीं समझ पाया। इसमें आप स्पर्श करके बता सकते हो है ना, देख करके बता सकते हो है ना, शरीर वेशभूषा स्पर्श और निकटता, इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, शरीर के हाव भाव, शरीर की भाषा, वेशभूषा है ना, हाव भाव, निकटता एवं दूरी आदि, मतलब बिना बोले ही बहुत कुछ चीजें हैं जो आप बिना बोले ही स्पष्ट कर सकते हो है ना। कई चीजें ऐसी, जैसे आप किसी के पास खड़े हो, बड़े पास में खड़े हो, कुछ बोल रहे हो तो सामने वाला सोचेगा कि सब कुछ बेहतर है, किसी के निकट जाकर बात करते तो उसकी भी अपनी मीनिंग है ना। अब मान लीजिए किसी के पास खड़े हैं और कोई सामने से कम्युनिकेट कर रहा और आप उसे बोल नहीं पा रहे, लेकिन उसका हाथ आपने पकड़ा है ना, सिंपली उसे हाथ पकड़ करके रोका, तो समझ जाता है कि हाँ भाई, और अगर तेजी से दबा दिया हाथ पकड़ के, उसे आभास हो जाता है कि नहीं हमें यहां रुकना होगा। तो ये मैसेज होते हैं, और बाकी भैया आंख से न जाने क्या क्या हो जाते हैं, ऐसा बताया जाता, ऐसे ऐसे गाने भी बन गए
अब उसके लिए क्या कहना, अंखियों से गोली मारे, तो इट मींस ये मैसेज क्या दे रहा, ये अशाब्दिक मैसेज दे रहा है ना, इस टाइप के मैसेज दे रहा भाई, समझ पा रहे हो। जी जी प्रियंका जी, चलिए चलिए, ठीक ठीक ठीक। जी जी आप बिल्कुल नहीं परेशान होइए आरती जी, बच्चे कम होते हैं या ज्यादा होते हैं ये माने नहीं रखता हमारे साथ, है ना। जब हम क्लास शुरू कर देते हैं तो हम लोग पढ़ाएंगे, चाहे चार बच्चे ही दो बच्चे ही होंगे, जब एडमिशन ले लेते हैं तो उनको एडमिशन हम पढ़ाते जरूर है बेटा। तो अभी तक जो भी हमसे नहीं जुड़े हैं और अगर वास्तव में सफलता चाहते हैं या कम समय है कम समय में सफलता चाहते हैं, भीड़ पे मत जाइए आरती जी, सीधे पढ़ाई करिए, पढ़ाई पर जाइए, क्वालिटी पर जाइए, सिलेक्शन लीजिए। हल्ला मचाने वाले बहुत से बेचने वाले लोग हैं, ठीक है, बिना हल्ला मचाए भी बहुत से लोग काम कर जाते हैं बेटा, ध्यान से समझिए। तो 9628 और हो सकता है नोटिफिकेशन भी ना गया हो, 9628959237 है ना, और आप इसमें आसानी से अपनी बात कह पा रही हैं, आपको सुना भी जा रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा भीड़ हमें चाहिए भी नहीं बेटा, आप पढ़िए कायदे से, है ना। तो चलिए ध्यान से समझिए, ये हमारा नंबर है 9628959237 पर, इस पर आप जुड़ जाइए, मैसेज करिए, जुड़िए और तुरंत, माने अभी हम सभी लोगों ने पूरा प्लान बनाया है, बहुत ही कम समय में आपको सिलेक्शन दिलाना है, पूरा कोर्स कराना है, सिर्फ मैं अकेले मैं ही नहीं हूं, पूरी मेरी टीम है, हाँ पूरी मेरी टीम है, मैथमेटिक्स रीजनिंग की अलग टीम है, कंप्यूटर की अलग टीम है ना। तो पूरा का पूरा हमारा एक प्रयास है आप सभी को सफलता दिलाना, ये पहला प्रयास नहीं है बेटा, पीछे भी हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, जिससे आप सभी का बेहतर होगा, है ना। तो चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अशाब्दिक में लिखित और मौखिक दोनों हो सकता, जब हम ओरल बात करें, सिर्फ बातचीत के जरिए बात करें, मैसेज का आदान प्रदान करें, तो ये सिस्टमैटिक हो सकता है, कम हो, अस्पष्ट हो सकता, लेकिन जरूरी नहीं कि सिस्टमैटिक हो सकता। लिखित लिखित संदेश की बात करता हूं, जब मैं लिखित संदेश को सब कुछ, ये क्या होता, औपचारिक मैसेज होता, इसमें किसी भी प्रकार की आप कमी नहीं कर सकते हो, और यहां पर ये इसको आप जो है इसमें थोड़ा बहुत ये चीजें आप देख सकते हो कि थोड़ा बहुत यहां परिवर्तन संभव होता है ना। तो ये शब्दों का प्रयोग जब आप लिख करके देते हो या बिना लिखे भी आसपास में बातचीत जब करते हो तो ये भी चीजें होती है, लेकिन थोड़ा सा इसमें सामने वाला क्या अर्थ समझ जाएगा ये उसकी भी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता। जी 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 चलिए सेकेंड पेपर की तैयारी, यदि कोई अगर हिस्ट्री का बच्चा हिस्ट्री की तैयारी करना चाह रहा तो उसकी मैं तैयारी कराता हूं, ठीक है बेटा। हिस्ट्री के लिए आपको हमसे जुड़ना है तो तुरंत अभी माने कम समय में रिविजन जो कोर्सेज है हम लोग उसको पूरे तैयार करा के बाय नोट्स देकर बाय कम्युनिकेट करके आपको प्रश्नों के द्वारा वो सब भी करा देंगे। तो फर्स्ट पेपर और हिस्ट्री विषय के लिए भी आपके पास पूरी की पूरी जानकारी होगी और आप जिससे आसानी से इसे समझ पाए। तो अशाब्दिक संप्रेषण भी प्रभावशाली होता है और शाब्दिक संप्रेषण भी प्रभावशाली होता है। तो इसमें आप देखते हैं कभी कभी वेशभूषा, लोग जैसे कहीं जाते हैं तो अगर कहीं खुशी में गए तो रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कहीं दुख में गए हैं तो है ना तो उसमें थोड़ा सफेद रंग से कपड़े पहनते हैं, या यूं समझ लीजिए कहीं और ऐसी जगह जहां पर मैसेज देना है कि हम नाराज हैं, विरोध कर रहे हैं, ब्लैक कलर का कपड़ा लोग पहन के चले जाते हैं या उस तरीके की वेशभूषा बना लेते हैं। तो आप देखेंगे जो समाज में कई बहुरूपिया भी दिखते हैं जो मैसेज देने का प्रयास करते हैं तो वेशभूषा भी बड़ा माने रखता है। आप हाव भाव किस फीलिंग से बात कर रहे हो यह भी मैसेज का माध्यम बनता है। तो उम्मीद है कि बच्चों ये आपको बहुत समझ में क्लियर से आया होगा। अब आइए कुछ प्रश्न कराते हैं और भी चीजें हैं, सब कुछ एक ही वीडियो में नहीं हो सकता है और आपको पूरा का पूरा प्रॉपरली जुड़ना है बेटा, इस नंबर पर आपको कॉल करना होगा, ठीक है। तो आइए कुछ प्रश्नों का हम निर्माण, कुछ प्रश्न लेकर के आप सभी के लिए आए हैं, देखिएगा ठीक है। तो हम थोड़ा आपको लेके आते हैं, ध्यान दीजिए ये जरा प्रश्न एक आपके सामने है। चलिए सारे लोग आ जाइए
सारे क्लास होगा बेटा। चलिए ध्यान से सुनिए, यहां देखिए, निम्नलिखित में से संप्रेषण के द्वारा सर्वाधिक होने वाली कौशलों की पहचान करिए। संप्रेषण से कौन सा कौशल सबसे बेहतर दिखता है या डेवलप होता है, आप उसकी बात करिए। कौन सा कौशल आपको बेहतर दिखाई देता? वाचन तथा श्रवण, श्रवण तथा सहायता, सहायता तथा श्रवण, या संभाषण तथा लेखन, है ना? तो संप्रेषण में कौन से कौशल बेहतर होते, बताइए जल्दी से। संप्रेषण, जल्दी से बच्चे, बोले तो सबसे बढ़िया आंसर इसका क्या होगा? क्या जवाब दे रहे हैं आप सभी लोग? चलिए जवाब दीजिए भाई, बोलते रहिए। सबसे बढ़िया इसका आंसर सी हो, माने वाचन करने की क्षमता, श्रवण करने की क्षमता इससे बढ़ती है, फिर भाषण करने की क्षमता बढ़ती है तथा लेखन की भी क्षमता इसमें बढ़ती है ना? तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलिए आगे बढ़िए। देखिए, बिना संप्रेषण के कोई सामाजिक गतिविधि, बिना संप्रेषण के कोई सामाजिक गतिविधि संभव नहीं है। बिना संप्रेषण के कोई सामाजिक गतिविधि संभव नहीं है, कारण संप्रेषण हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्या इसमें क्या स्थिति है? ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, पहली चीज आई है। दूसरी चीज, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आइए सी, ए सही है किंतु आर गलत है, तो या डी, ए गलत है किंतु आर सही है, क्या होगा आंसर? जल्दी बताइए। शाबाश, क्या बात है भाई, राकेश जी का आंसर आ गया। और लोग क्या कर रहे हैं भाई, और लोग क्या कर रहे हैं, फटाफट देखिए, जल्दी जल्दी फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। क्योंकि भाई देखिए, हमारे जीवन की, जीवन का कोई भी कार्य बिना संप्रेषण के संभव नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट सही, ये भी सही है, दोनों व्याख्या करेगा, एकदम सही आंसर है कि दोनों की सही व्याख्या भी हो रही है, इसको आप टाल नहीं सकते। बहुत बढ़िया। और देखिए, निम्नलिखित में से आंगिक भाषा, आंगिक भाषा जिसमें बॉडी प्रयोग होती है, वर्णित करने के लिए कौन सी तकनीकी शब्द की पहचान की जाती है? माने जब बॉडी का प्रयोग करते हैं मैसेज देने में, तो इसमें कौन सा शब्द यूज होता है ना? समीप संसूचकता, समय सूचक संप्रेषण, अंग विक्षेप संसूचकता, स्पर्श संप्रेषण, बताइए इसमें क्या होगा? चलिए बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया राकेश राम जी। देखिए इससे बढ़िया समझिए, देखिए बेटा जल्दी से क्या आंसर होगा। शाबाश, तो बिल्कुल सही है, अंग विच्छेद पर संसूचकता, तो इस संसूचकता के जरिए ही इसकी पहचान होती है। ध्यान समझिए, आगे देखिए, निम्नलिखित में से एक तरफा संप्रेषण, वन वे एक तरफा संप्रेषण की प्रक्रिया का सही क्रम पहचान करिए। तो बताइए, प्रेषक, विकोडन, संदेश माध्यम संकेतन या प्राप्तकर्ता होगा, या प्रेषक, संकेतन, संदेश माध्यम, डिकोडन या प्राप्तकर्ता? आगे देखिए, प्राप्तकर्ता, संकेतन, संदेश माध्यम, डिकोडन, प्रेषक, है ना? प्रेषक, संदेश, विकोडन, संकेतन, माध्यम और प्राप्तकर्ता, जल्दी बताएं। अभी मैंने पढ़ाया है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया आप सभी लोगों को, जल्दी से। हमने कहा था ना कि बने रहिए वीडियो में, लास्ट में प्रश्नों की भी श्रृंखला लेकर के आना है बेटा। तो बताइए जल्दी से, इसमें क्या देख रहे हैं आप सभी लोग, जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बी आंसर होगा, मैसेंजर होगा जो संदेश देगा, कोड बनाकर देगा, इन कोड संदेश बनाएगा, माध्यम से भेजेगा, जिसके पास भेजेगा वो क्या करेगा, डिकोड करेगा, है ना? नो, रुक जाओ, ठीक है, अब इसमें इसके अलावा कोई चांस भी नहीं है, निकटतम आंसर यही होगा, निकटतम आंसर भैया
यही होगा। अब जरा देखिए ये भी प्रश्न को देखिए आप फटाफट जल्दी से तुरंत देखिए आप, अधिगम और संप्रेषण क्षमता के अभिप्रेरणात्मक पहलू परस्पर संबंध नहीं है। अधिगम और संप्रेषण क्षमता के अभिप्रेरणात्मक पहलू परस्पर संबद्ध नहीं है। अच्छा पहला कथन। दूसरा, सामाजिक उत्पाद के रूप में संप्रेषण हेतु अधिगम परिवेश के अपने चर होते हैं, अपने उसके पार्ट होते हैं। बताइए जल्दी से कौन बच्चा आंसर दे रहा। हाँ टाइपिंग रॉन्ग है सन्नी जी, मैं समझ गया दिए गए ऑप्शन में उसके अलावा कोई चांस ही नहीं है आंसर का। ठीक है चलिए आगे बढ़िए, बताइए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से फटाफट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बेटा ध्यान से सुनो, अधिगम और संप्रेषण क्षमताओं के अभिप्रेरणात्मक पहलू परस्पर संबंध। बिल्कुल संबंध है भैया, संप्रेषण अच्छा होगा तभी अधिगम होगा, तो पहला गलत है, परस्पर संबंध है। और सामाजिक उत्पाद के रूप में संप्रेषण हेतु अधिगम परिवेश के अपने चर, बिल्कुल अधिगम परिवेश के माने सीखने के अपने अपने चर होते हैं, अपने तरीके होते हैं, तो एकदम सही बात है, ये सही है। तो ए गलत है और आर सही है, तो ऐसा आंसर आपका डी होगा दोस्तों। तो ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार से संप्रेषण के प्रश्न बनते हैं और कैसे आप इसे समझ सकते हो, एक मेरा छोटा सा प्रयास था। उम्मीद है कि आप सभी को बेहतर समझ में आया होगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करिए। कल फिर इसी समय पर 7 से 8 के बीच में मैं आपके बीच में फिर एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित रहूंगा। डटे रहिए आप सभी लोग। अगर कोई क्वेरी करनी है, कोई क्वेश्चंस करना है, कोई डिस्कशन करना है, आप कर सकते हैं हमसे, आप रख सकते हैं। कोई भी इशू, कोई भी मुद्दा संप्रेषण में नहीं समझ आ रहा, आप डिस्कस करिए तुरंत। और एक बात और मैं बताना चाहूं, तब तक आप लोग प्रश्न टाइप करिए या कोई प्रॉब्लम है तो, और मैं आपको नंबर अपना दे रहा हूं 9628959237, इस पर आप संपर्क करिए। यदि आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और लाभ प्राप्त करिए, लाभ प्राप्त करिए। बस आप इसमें बिल्कुल बिल्कुल 7 से 8 आप जुड़े रहिए। हमारी पूरी टीम, हमारी पूरी टीम आपको मिलेगी, मैं मिलूंगा, मेरी पूरी टीम मिलेगी एक के बाद एक। बस जुड़िए, खड़ा कर जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करिए। यदि 2 मई से स्टार्ट होने वाले यूजीसी के एग्जाम में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी कम समय में गारंटेड सफलता, तो आप टीचर सेकेंडरी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो आज के लिए यही रहेगा बेटा, इतना ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, थैंक यू वेरी मच।